वापस एक बार हमारे पास है ये तीन तीन गेमिंग के ईयरबड्स। यह है मेवी कमांडर Q910, बोट इमोर्टल 131 एंड पीट्रॉन बेस बर्ड्स जे। इनको देख के तुरंत समझ जाता है कि ये बने हैं गेमर्स के लिए ही। पहले तीनों की अनबॉक्सिंग करते हैं। पोर्ट का मस्त एक छोटा बॉक्स आता है। एकदम गेमर ही दिख रहा है ये। साथ में नीचे कुछ पेपर वर्क वगैरह है। देन नेक्स्ट ये मीवी को मैं अनबॉक्स करता हूँ। ओके गेमर। और लास्ट ये पीट्रॉन वाले, जिनकी पैकेजिंग इतनी मुझे खास नहीं लगी। पीट्रॉन वालों ने अलग से ईयरबड्स निकाल के दिए है। भाई मैं अभी डिजाइन देख रहा था इनका, और बोट का डिजाइन देखो आप जब मैं ओपन करता हूँ तब। और मस्त सा साउंड भी आता है, लाइक लिटरली यार। देखो गेमिंग बोले तो RGB, तो भाई RGB का मस्त फील आ रहा है इसमें। एंड देन मीवी को ओपन करके देखते हैं अभी। ओके मीवी वाले भी थोड़े थोड़े साइड से चमक रहे, ऊपर से भी इनकी चमक आ जाती है। देन ये लास्ट वाले, ये आंखों जैसे लग रहे हैं। एक्चुअली डिजाइन तो एकदम सब्जेक्टिव चीज है, किसी को क्या पसंद आया, किसी को कुछ अलग। बट ये बोट वाले में ना ऐसा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा ग्लास लगा है, देख सकते हो आप, तो थोड़ा अंदर का लाइट दिख जाता है। भाई अनबॉक्सिंग के मामले में ना बोट को एक और मैं पॉइंट देना चाहूंगा, क्योंकि यार मस्त मस्त से कूल से स्टिकर्स इन्होंने दिए हैं। गाइस मैं अभी ना पेयरिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे फोन के साथ। ये बोट वाले एंड पीट्रॉन वाले काफी इजीली पेयर हो गए, लेकिन मीवी के लिए ना थोड़ा सा टाइम जा रहा है। तो दोस्तों मुझे पता चला मीवी को जो कनेक्ट करने के लिए ना, पेयर करने के लिए अपने को ये अंदर से निकालने पड़ते हैं। ये कौन सा लॉजिक है भाई, बाकी दो तो सिर्फ ओपन करते पैर हो गए। गाइस ये तीनों भी एयरबड्स के केसेस कैसे भी खड़े हो सकते हैं। ये वाला तो ऐसा भी खड़ा हो जाता है, और ये तो वैसे भी चौकोनी है, तो ये कैसे भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। अपने को ना इनके प्राइजेस की तरफ भी आना चाहिए। ये पीट्रॉन वाले वो 999 के, मतलब 1000 रुपीज के लगभग। ये बोट वाले 1399, मतलब 1400 के लगभग। एंड ये जो है मीवी के, ये 2000 के लगभग। अपने को देखना है इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। बट इसका प्लेबैक टाइम भी मैं बता देता हूँ। ये पीट्रॉन का है 40 आवर्स, 40 घंटे। बोट का भी, बोट इमोर्टल 131 का भी है 40 आवर्स। और ये मीवी कमांडर Q9, इसका 50 घंटा है। हाँ प्ले टाइम मीवी का ज़्यादा है, बट इश्यू ऐसा है कि उसकी वजह से उसका थोड़ा वेट भी बढ़ जाता है, बाकी दोनों का वेट कम रह जाता है। सो गाइस अपने को करना है इसका पहले साउंड टेस्ट। डीजे वाले बाप मेरा गाना चला दो। भाई बोट इमोर्टल 131 का है ना साउंड काफी खतरनाक आ रहा है, क्योंकि ना बोट का सिग्नेचर साउंड आता है। पहले भी मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, एंड जो नॉर्मल साउंड है ना उसमें ना वो लोग थोड़ा सा इक्विलाइजर एक बार डाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा और बेटर साउंड करता है। ऐसा ये बोट के ईयरबड्स थे, काफी पहनने में एकदम लाइट वेट है, एंड अच्छे से फिट भी हो जाते हैं। ज्यादा टाइट भी नहीं, ज्यादा लूज भी नहीं। और जो इसका टच का एरिया ना, वो यहाँ पे ऊपर के साइड पे, तो यहाँ पे टच करना है इनको। नेक्स्ट है ये पीट्रॉन वाले, इनका भी हम लोग साउंड टेस्ट करते हैं। भाई गाइस जब मैंने इनको पहना तो ये चिल्लाने लगा कि ब्लूटूथ कनेक्टेड वगैरह इतनी जोर जोर से। भाई ये सब की नहीं जरूरत मुझे, और है भी तो थोड़ा धीरे से भाई प्लीज। भाई मैं सेम सॉन्ग सुन रहा हूँ इस पे भी, बट जो बोट का सिग्नेचर साउंड है ना उसके जितना मजा नहीं आ रहा है इस वाले में। ये वाले भी पहनने में सही सही से फिट हो रहे, और इनका भी टच ना ऐसा ऊपर के साइड, ये थोड़ा सा छोटा एरिया है, थोड़ा लेट टच हो रहा है इसका, थोड़ा टाइम लगता है। एंड लास्ट मीवी के ट्राई करते हैं। अरे ये भी बड़बड़ करते हैं यार मत, ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ईयरबड्स पे। स्पेसिफिकली क्या हो जाता है ना कि ये पहनने के बाद पावर ऑन पैड ये चीजें बड़बड़ करने लगते हैं। ये चीजें ना मीवी और पीट्रॉन दोनों भी करते हैं। अभी जिसको इससे दिक्कत है उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मुझे ये पसंद नहीं है जोर से चिल्लाते। इसकी भी साउंड क्वालिटी अच्छी है। पीट्रॉन के नाम है बेस बर्ड्स, लेकिन बेस ज्यादा दे रहे ये मीवी के। बट पर्सनली ना मुझे सुनने के लिए बोट का सिग्नेचर साउंड पसंद आ गया ज्यादा। ये वाले एक्चुअली बोलो तो मुझे थोड़े से टाइट लग रहे हैं फिटिंग के लिए, बट इसका भी टच वगैरह सही है, ऊपर आ जाता है यहाँ पे। बोट और मीवी दोनों में भी आ जाता है IPX4 वाटर रेजिस्टेंस, बट ये पीट्रॉन है इसमें ये दिखने को नहीं मिल जाता, बिकॉज इसका प्राइस भी वैसे काफी कम है। अभी कैसे हम लोग करते हैं इसकी गेमिंग टेस्ट। तो राइट वाला ईयरबड है, इसको 3 सेकंड दबा के रखना है, बीप आता है और ये बोलता है बीस्ट मोड। कुछ हम लोग को फायरिंग करके देखनी पड़ेगी मे बी, अगर जिंदा बच्चा तो सही है। अरे भाग 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 भाग।
अबे उठ गया मैं, अबे नीचे नीचा नीचा भाई नीचा, गलती से उठाया था। अपने बंदे ने किसी को उड़ा दिया है तो मैं कहीं और चलता हूँ मारा मारी करने। ओके यहाँ पे कोई दिखा है मुझे, ठीक है। वो भाई सब क्या बच्चा हो पता है क्या? नहीं भाई साहब, तो गेमिंग के लिए खतरनाक है, जैसा बोला गया भाई गेमिंग के लिए ये सही बने। अभी पीट्रॉन वाले ट्राई करते हैं, यहाँ पे कोई शायद अपनी साइड पे। अभी नेक्स्ट मेवी के कमांडर Q9 हम लोग ट्राई करते हैं। ओके इनको कोई दिखा है, पक्का दिखा है। अबे भाई ऊपर से बंदा मार उसको। लेकिन ना बोट वाले ज्यादा देर तो हम लोग गेमिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, एंड साउंड क्वालिटी भी बढ़िया आ रही है गेमिंग के टाइम। कॉलिंग करते समय यूज करने की बात करूं तो जो बोट के इमोर्टल 131 है इसमें आता है ENX क्वाड माइक टेक, जिसके बाद से जब आप कॉल पे वगैरह होते हैं तो जो बैकग्राउंड नॉइज वगैरह देता है ट्रेन का हुआ या फिर कुछ ट्रैफिक का वगैरह हो गया हवा का हो गया, वो ये काफी हद तक कम कर देता है। इवन मीवी में भी एक क्वाड माइक ENC आ जाता है जिसकी वजह से एनवायरमेंटल साउंड को ये सप्रेस कर देता है कॉलिंग के टाइम पे। बट जो पीट्रॉन है इसमें ये वाला फीचर है ही नहीं। जैसे कि मैंने इसके प्राइजेस बताया, जो पीट्रॉन वाले वो 1000 rupees के लगभग, जो बोट के है वो है 1400, और ये जो मीवी के है ये आते 2000 के लगभग। प्राइजिंग में ये भी है कि बोट के सारे प्रोडक्ट्स है उसमें 70% का ऑफ भी चल रहा है। सो इन कंक्लूजन मैं बोलूंगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से बोट वाले काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, साथ ही में जो बोट का सिग्नेचर साउंड है लो लेटेंसी है गेमिंग में, एंड जो लुक्स है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है। ये थे गाइस गेमिंग ईयरबड्स। आप लोग नीचे ना कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप कौन से डिवाइस पे गेमिंग करते हो, मोबाइल पे तो मोबाइल कौन सा स्पेसिफिक मोबाइल यूज करते हो वो भी बता दो। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया तो लाइक देना तो भूलो ही मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।